अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट हुमायूं मलिक। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, हम यहां पे आज नए एपिसोड में नए प्रोडक्ट के साथ हाजिर हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग सिर्फ जो है वो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट नहीं शेयर करते हैं, जबकि हम लोग किचन वेयर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं और इसके अलावा बच्चों की जो प्रोडक्ट्स मेडिसिन होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे एक इस किस्म की जो अजीब किस्म की बोटल्स और यहाँ पे नोस्ट्रल्स टाइप से बनी हुई हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये जो है नाक की किसी बीमारी के लिए है, जो हमें सांस की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए। तो जी हाँ गाइस, ये बच्चों की एक जो है वो दवा है, इसका नाम है मेडिसोल, मेडिसोल NS। तो ये एक ऐसी है कि देखने में तो गाइस ये आप लोगों को पानी ही लग रहा है कि इसके अंदर पानी है, लेकिन ये पानी नहीं है, ये लिक्विड बहुत ही काम का लिक्विड है। वो किस तरह से काम का लिक्विड है कि आप लोगों के बच्चे जो होते हैं जब सर्दियों में काफ़ी जो होती हैं उनकी नोस्ट्रल्स जो होती हैं वो बंद हुई पड़ी होती हैं ठंड लगने की वजह से या फ्लू की वजह से या जुकाम की वजह से, किसी भी वजह से अगर वो बंद हो जाता है उनका नाक, तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, सिंपल इसको ले लेना है। लेने के बाद आप लोगों ने मेडिसोल NS को, ये हर किस्म के जो है हर तरह के जुकाम के लिए होता है, इसके लिए कुछ नहीं होता कि ये किसी चीज़ को साइड इफ़ेक्ट जो है वो फ्राम करेगा। बस आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है, एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है, देन उसके बाद आप लोगों ने कहना है एक ड्रॉप एक नॉस्ट्रल में एंड सेकेंड ड्रॉप जो होता है वो दूसरे नॉस्ट्रल में लाने के बाद, ये एहतियात रहे कि अंदर जाना चाहिए। एक ड्रॉप होता है वो ये भी बाहर चला जाए तो कोई इससे फ़ायदा नहीं। इसके बाद क्या होता है कि बच्चों का नाक जो होता है मुकम्मल तौर पर खुल जाता है और उनको छींकी वगैरह आती हैं तो इस तरह से उनको परेशानी नहीं होती। अक्सर माएँ जो होती हैं जब उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं तो दूध पिलाने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। ये मैं खुद यूज़ करती हूँ अपने बेबी के लिए, तो आप लोगों को भी चाहिए, अगर आप लोगों का बच्चा जो है वो कोई बीमार है या कुछ है तो आप लोग इसको यूज़ करके देखें। बाकी रही इसकी प्राइस की बात, तो मैं आपको बता देती हूँ, प्राइस इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, 70 रुपीज़ में आप लोगों को ये अवेलेबल हो जाएगा तकरीबन। RS ये आपके पास 70 GA 68 और टैक्स के साथ आपको 70 रुपीज़ में मिल जाएगा। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा और मेरे सजेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखें।